अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा, आपका आज का काम है क्वेश्चन नंबर टू। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंट्स एज अ फ्रैक्शन इज 3/8। मीन के क्या है ये? टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नीचे है और कलर्ड कितने हैं? 3 तो ऊपर थी, मतलब ये फ्रैक्शन ट्रू। ठीक है, 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नो, इक्वल तो नहीं है, ये गलत है। 7/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ऊपर वाली बड़ी होती है, कि यहाँ पे नीचे वाली बड़ी, इसलिए ये फॉल्स है। 9/10 इज़ लेस देन 4/10। नो, 9/10 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला 9 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर है ये, लेकिन उसने कहा ये छोटा है, इसलिए ये भी फॉल्स है। इन दी फ्रैक्शन 2/5 5 इज़ नॉमिनेटर, जो नीचे वाला है उसने कहा ये नॉमिनेटर है। नो, फॉल्स। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 2/7 इज, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनती है? मतलब कि अगर 7 को 2 को मल्टी 2 का है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 का उसने 14 बना दिया। नहीं, अगर नीचे 7 को 14 आए तो ऊपर भी जिस चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी से नीचे भी करना है, तो ये भी नहीं हो सकती, इसलिए 4 आएगा, क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4, सेम 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया 7 2 14। इन द गिवन फिगर इज शेडेड पार्ट इज, टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 6, और कलर कितने हैं? 4, तो 4/6 वाली ये है, तो इस पर टिक आएगा। 3/9 एंड 3/10 आर क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। मीन्स क्या है? ओ, 3/4 एंड 3/10 आर अनलाइक, दोनों एक जैसी नहीं है, तो डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक आएगा। 3/37/5 ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, प्रॉपर में क्या होता है? इम्प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें क्या है? ग्रेटर देन द नोमिनेटर। सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन, टिक करना है सही वाली पे। उसने ये बनाया और 3-3 ऑप्शन दिए हैं और उसमें बताया ये टोटल 3 है, नीचे 3 होना चाहिए और कलर 1 है, 1/3 वाले। ठीक है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और कलर 1 है, 1/6 आएगा। इसी तरह ये आपने सारे MCQs करने हैं, ये सारे सर्कल करने हैं और कलर दी ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। कलर करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को 1/2, मीन्स के टोटल कितने हैं? 2, और कलर कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, 2/6 टोटल कितने हैं? 6, इनमें से कोई से 2 आपने कलर करने हैं, कोई से भी 2 आप कलर कर सकते हैं। 1/4 टोटल कितने हैं? 4, और कलर टोटल 4 हैं, कलर कितने होने चाहिए? 1, कोई सा भी एक आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आप लिख करके दिखाइए। जी, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 2, नीचे 2 आएगा, कलर कितने हैं? 1, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है इनको कि उसकी फ्रैक्शन बन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 2 से नीचे भी। 2 1s are 2 और 2 2s are 4। इसी तरह बेटा 1/3, टोटल 3 बॉक्सेस हैं, इनमें से एक कलर है, 1/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब ये वाला क्वेश्चन है, टोटल इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नीचे 9 है और कलर्ड कितने हैं? 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसने उसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ये जो आंसर है उसके बॉक्सेस बनाए हैं। टोटल नीचे कितने हैं? 3, और ऊपर कलर्ड कितने हैं? 2, 2/3 फ्रैक्शन है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 6/9 पर फ्रैक्शन बनेगी, उसने बना के दिखाई, टोटल 9 और 6 की हैं। 1/4 टोटल कितने हैं? 4, और कलर्ड 1 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/12 न्यू फ्रैक्शन बनेगी। इसी तरह ये आपने सारे करने हैं। ठीक है, फी ईमानिल्लाह।